अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। दीपावली आने वाली है और इस बार उत्तर प्रदेश का लखनऊ इको फ्रेंडली दीपावली मनाने के लिए विशेष इंतजाम में लगा है। इस बार दीपावली में गाय के गोबर से तैयार 1 लाख से अधिक दीयों से यूपी का लखनऊ शहर रोशन होगा। नगर निगम की खास पहल के तहत गोबर का उपयोग कर 1 लाख से अधिक दीये और मूर्तियां बनाई जा रही हैं। लखनऊ के नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी के अनुसार पौधों के बीजों को इन पर्यावरण अनुकूल दीयों और मूर्तियों में डाला गया है ताकि उपयोग के बाद मिट्टी में डंप हो जाने पर उनमें से एक पौधा उगाए। नगर आयुक्त ने बताया था कि गोबर से तैयार इको फ्रेंडली दीयों और मूर्तियों में गिलोय, तुलसी आदि औषधीय पौधों के बीजों को भी डाला गया है। इसमें एक तो गाय के गोबर की उपयोगिता बढ़ेगी, देसी गाय का उपयोग बहुत ज़्यादा कम हो गया आजकल, तो गाय की उपयोगिता बढ़ाने के लिए गाय के गोबर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, गोबर के दिए बना रहे हैं। और इसमें स्वयंसेवी समूह की महिलाएं जो हैं जिनका रोजगार लॉकडाउन के दौरान चला गया था कई लोगों का, तो उनको रोजगार भी यहाँ मिलेगा। तो दोनों ही तरीके से महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है और गाय के लिए भी हमारी आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में कारगर हो रहा है। यहाँ पे जैसे आम घरों में होता है कि हर साल दीपावली में मूर्तियों को बदला जाता है, तो मूर्तियाँ बदलने के बाद में लोग मूर्ति को हटा के पेड़ों के पास रख देते हैं या मंदिरों में रख देते हैं, तो पर्यावरण में कहीं ना कहीं दूषित करने का काम करती है। पीओपी की मूर्तियाँ बनी होती हैं, तो ये गोबर के दिए होंगे, इस गोबर के जो मूर्तियाँ होंगी उसके अंदर हम लोग तुलसी, गिलोय, एलोवेरा के बीज डाल रहे हैं, तो वो अगर कहीं पे भी मिट्टी पे डालेंगे या कहीं पे रखेंगे तो प्रकृति में एक नए सृजन का कार्य मतलब करेगा, तो प्रकृति के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं।